हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द आस्था आर्टवर्क। तो आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे रियलिस्टिक आई का ट्यूटोरियल। तो इस वीडियो को बिना मिस किए पूरा देखिएगा। तो इसे ड्रॉ करने के लिए मैं ब्रूस्टो की कलर पेंसिल का इस्तेमाल कर रही हूँ। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने आउटलाइन पहले से ही ड्रॉ कर दी है। तो आउटलाइन बनाने के लिए मैंने काफ़ी सारी ट्यूटोरियल्स अपने प्रीवियस वीडियोज़ में अपलोड की हैं, जिसका लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप विजिट करके देख सकते हैं। तो कलरिंग शुरू करने से पहले हम आउटलाइंस को नीडेबल इरेसर की मदद से लाइटन कर लेंगे। आप कोई भी नॉर्मल इरेसर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो शुरुआत करेंगे हम आईज के डार्क वाले पोर्शंस की, जैसे कि ब्लैक कलर से। रियलिस्टिक आईज ड्रॉ करते वक्त हम कभी भी आईबॉल्स को ब्लैंक या फिर वाइट नहीं छोड़ेंगे, बल्कि हम हल्के कलर्स इस्तेमाल करेंगे, जैसे कि स्काई ब्लू, पीच पफ या फिर ग्रे अकॉर्डिंग टू द रेफरेंस इमेज। अब हम आईलिड्स को ड्रॉ करने के लिए डार्क चॉकलेट और सेडार कलर का मिक्स करके इस्तेमाल करेंगे। आई शेडो को ड्रॉ करने के लिए मैंने बेबी पिंक, कोरल और बीवर ब्राउन कलर का इस्तेमाल किया है। और इन सारे कलर्स को ब्लेंड करने के लिए मैंने पीच पफ कलर का इस्तेमाल किया है, जो कंपैरेटिवली इन सारे कलर से काफी लाइट कलर है। और हाईलाइट देने के लिए व्हाइट कलर का इस्तेमाल किया है। आपको हमेशा ये ध्यान रखना है, जब भी बेस लेयर ऐड करें एकदम हल्के हाथों से ऐड करें, क्योंकि जब इसके ऊपर हम बाकी लेयर्स ऐड करेंगे हमें उस कलर को मिक्स करना है। अगर आप पहला वाला लेयर ही बहुत ज़्यादा प्रेशर अप्लाई करके कलर कर देंगे, तो उसके ऊपर हम जो सेकेंड लेयर ऐड करेंगे उस चढ़ेगा ही नहीं, क्योंकि ये वैक्स बेस्ड पेंसिल है तो हमारे पेपर पर बहुत ज़्यादा वैक्स डिपॉजिट हो जाएगा, जिससे हमारी ड्रॉइंग बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेगी। हमारी फर्स्ट आई तो कंप्लीट हो चुकी है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं सेकेंड आई पर, और इसे भी हम सेम तरीके से ड्रॉ कर लेंगे। अब चलिए हम आईब्रोज को ड्रॉ कर लेते हैं। तो एज वी आर गोइंग टू ड्रॉ रियलिस्टिक आईब्रोज, तो हम आईब्रोज के एजेस में सबसे पहले स्किन कलर ऐड करेंगे। तो मैं यहाँ पर यूज कर रही हूँ पीच पफ कलर का, और हल्के हाथों से बेस लेयर में हम सेडार कलर देंगे, जिससे नेचुरल हेयर कलर आ सके। इसके ऊपर से ब्लैक कलर की मदद से हम एक एक हेयर को ड्रॉ करेंगे। यहाँ पर आपको हर एक आईब्रो की हेयर की डायरेक्शन को ऑब्जर्व करना है और सेम डायरेक्शन में स्ट्रोक्स लगाने हैं। फाइनली आईब्रोज में हाईलाइट ऐड करने के लिए मैं एक कटर का इस्तेमाल कर रही हूँ, जिसे हम स्क्रैच करेंगे। तो बस हमारी रियलिस्टिक आईज कंप्लीट हो चुकी हैं। होप आपको ये वीडियो यूजफुल लगी हो। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे और भी ट्यूटोरियल्स के लिए।